हेलो गाइस, वेलकम बैक माय अनदर न्यू वीडियो। एंड गाइस, जो जो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छा लगे तो अच्छे से कमेंट कर देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओपन कर लेते हैं अपना पिक्सर्ट को। ओपन करने के बाद गाइस एडिट फोटो पे क्लिक करके आपको एक पिक्चर ऐड करना होता है। तो मैं एक पिक्चर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। सेम तरीके से आपको एक पिक्चर क्लिक करा लेनी है, ठीक है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको सीधा इफेक्ट में क्लिक करनी है। इफेक्ट में क्लिक करने के बाद गाइस आपको आर्टिस्ट में आनी है। आर्टिस्ट में आने के बाद आपको लास्ट की तरफ फेटल वन का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद गाइस इफेक्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। मेरा इफेक्ट ऐड क्यों नहीं हो रहा, ऐड हो गया गाइस। उसके बाद गाइस आपको फेट को जीरो के मल्टीपल कर लेनी है, ठीक है। मल्टीपल करने के बाद गाइस आपको सीधा इरेस करनी है, अपनी फेस पे इरेस कर लेनी है कुछ इस तरीके से। मैं थोड़ा स्पीड कर दे रहा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा इस इरेस करने में। तो गाइस आपका भी इरेस होने के बाद गाइस आपको राइट पे क्लिक करके पिक्चर को सेव कर लेनी है, ठीक है गाइस। एंड उसके बाद गाइस फिर से आपको इफेक्ट में आनी है। इफेक्ट में आने के बाद फिर से आपको फिल्टर में आनी है। फिल्टर में आने के बाद गाइस BLS3 लास्ट की तरफ सेकेंड नंबर पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसके आपको इरेस करनी है, ठीक है। अपनी पिक्चर को ऐड करके इरेस कर लेनी है एंड रिस्टोर करके अपनी फेस पे बस आपको वो वाला इफेक्ट डालनी है कुछ इस तरीके से। एंड उसे करने के बाद गाइस को सेव कर लेनी है। सेम तरीके से गाइस आपको और एक बार कर लेनी है BLS3 इफेक्ट। सेम तरीके से आपको इरेस करनी है। BLS3 इफेक्ट आपको दो बार ऐड करनी है, ठीक है। जैसे मैं क्या हूँ, थोड़ा स्पीड कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी, ठीक है, कुछ इस तरीके से जिससे आपका फेस वाइट दिखे, ठीक है। एंड इस तरीके से गैस आपको भी इरेस कर लेनी है एंड गैस आपको कर लेनी होगी सेव, ठीक है गैस। एंड उसके बाद गैस आपको टूल में आनी है, एडजस्ट में आनी है। एडजस्ट में आने के बाद गैस आपको ब्राइटनेस को थोड़ा हाई करनी है, 15 के आसपास रखनी है। रखने के बाद गैस आपको हाईलाइट पे आनी है। हाईलाइट को आपको 20 के आसपास रखनी है एंड सेव कर लेनी है गैस। एंड उसके बाद गैस आपको नीचे स्क्रॉल करनी है, ठीक है। ड्रॉ पे आनी है, ड्रॉ पे क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद गैस आपको कलर चूज करनी है, रेड कलर, ठीक है। आपका सनग्लास होगा तो आप यूज़ कर सकते हैं, यानी नहीं होगा तो आप यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है, ठीक है। एंड आपको साइज सिलेक्ट करके, ठीक है, इस वाले आइकन पर सिलेक्ट करके आपको जूम कर लेनी है, ठीक है। एंड कलर को एडजस्ट करके आपको यहाँ पर कलर ऐड कर लेनी है बस। एंड गैस आपको सीधा कर लेनी होगी सेव, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस आपको सिर्फ से इफेक्ट में फिल्टर में आपको ऑप्शन मिल जाता है ISL4 का ऑप्शन, ठीक है। उस पर आपको फेड 0 रख के कर लेनी होगी सेव। एंड उसके बाद गाइस आपको पिक्चर को कर लेनी होगी क्रॉप, ठीक है। तो हम टूल वाले ऑप्शन में जाते हैं, ठीक है। टूल वाले फ्यू क्रॉप पे ऑप्शन जाते हैं, आपको पार्सन पे सीधा क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद गाइस आपको अभी ब्रश से क्लिक करके साइड सेलेक्ट करके आपको एडजस्ट करना होगा, जहाँ जहाँ पर आपका मतलब नहीं है रेड हुआ वहाँ पर आपको रेड कर लेनी होगी, ठीक है। अब तक गाइस जो जो वीडियो देख रहे हो गाइस, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में कमेंट करना एंड लाइक करना गाइस। तो वीडियो क्रॉप होने के बाद गाइस आपको सेव कर लेनी होगी, पूरा गैलरी पे भी गाइस आपको सेव कर लेनी होगी अपनी पिक्चर। मेरे फ़ोन में स्टोरेज नहीं है शायद, इसीलिए लेट हो रहा है। तो ड्रॉप पे आने के बाद गाइस आपको सेव कर लेनी होगी पूरा, ठीक है। 3 डॉट पे क्लिक करके सेव इमेज कर लेनी होगी। उसके बाद गाइस सीधा आपको एक बैकग्राउंड का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इसे आपको ऐड कर लेनी होगी अपनी पिक्चर पे, ऐड फोटो पे क्लिक करके। जैसे कि इस बैकग्राउंड का बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं, इस बैकग्राउंड का, ठीक है। इस बैकग्राउंड का लिंक गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आपको डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। एंड डाउनलोड करने के बाद गाइस आपको कुछ इस तरीके से ऐड कर लेनी है, ठीक है, अपनी बैकग्राउंड को। एंड गाइस ऐड फोटो पे क्लिक करके अपने जो एडिट किया पिक्चर उसे आपको ऐड करनी है, ऐड करनी है गाइस कुछ इस तरीके से। एंड जूम करके आपको राइट साइड पे आपको एडजस्ट कर लेनी होगी कुछ इस तरीके से।
एंड गाइस कुछ इस तरीके से ऐड करने के बाद गाइस आपको जो जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा होगा फोटो पे, ठीक है, एक्स्ट्रा बाहर निकले उसे आपको इरेज कर लेनी होगी, जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ इरेज, ठीक है, कुछ इस तरीके से। मैं थोड़ा स्पीड कर दूँ, टाइम बहुत लग जाएगा इसीलिए। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपको इरेज कर लेनी होगी एंड गाइस सेव कर लेनी है। उसके बाद गाइस आपको एडजस्ट मैनी के बाद गाइस आपको यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन मिल जाता है, उसको -40 कर लेनी है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन मिल जाए -40 कर लेनी है। एंड उसके बाद गाइस आपको सेव कर लेनी होगी सीधा, ठीक है। तो एंड उसके बाद आपको ऐड फोटो पे क्लिक करके, ठीक है, एक हेयर PNG ऐड करना होगा। इस PNG का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आपको डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है, आपको फ्लिप रोटेट करके मिरर कर लेनी है कुछ इस तरीके से। एंड गाइस आपको ऐड कर लेनी होगी अपनी हेयर पे। सो गाइस अब कुछ इस तरीके से ऐड करने के बाद गाइस आपको हेयर को एडजस्ट करनी होगी, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद अपनी हेयर के हिसाब से आपको कर लेनी होगी इरेज, जैसे कि मैं करूँगा अभी, आपको देखते जानी है कुछ। एंड गाइस इरेज पे क्लिक करके आपको हार्डनेस्ट एंड साइज सिलेक्ट कर लेनी होगी अपना, ठीक है, कुछ इस तरीके से। मैं जैसे इरेज करूँ आपको, वैसे भी आपको सेम तरीके से इरेज कर लेनी होगी। आपको देख देख के धीरे धीरे से गए सबको इरेज करते जानी है, ठीक है, अपने हेयर पे, ठीक है, अपना हेयर, जिससे अपना फेस अच्छा दिखेगा, बेसिकली मेरी तरह जैसा मैं एडिट कर रहा हूँ वैसा कुछ। एंड गए सबको राइट पे क्लिक करके कर लूँगी सेव, जैसे कि इसको थोड़ा ऊपर की तरफ एडजस्ट कर लेते हैं। सेम तरीके से आपको भी एडजस्ट कर लेनी होगी गाइस। एंड एडजस्ट करने के बाद सेव कर लेनी होगी अपनी हेयर PNG को, ठीक है, अपनी फेस के ऊपर। एंड उसके बाद गाइस स्टिकर वाले ऑप्शन में जानी है, ठीक है, यहाँ पर आपको सर्च करनी है लाइट PNG, लाइट इफेक्ट भी सर्च करते हैं, PNG भी सर्च करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लाइट इफेक्ट सर्च कर रहा हूँ। सर्च इफेक्ट करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल नीचे आपको एक लेफ्ट साइड की तरफ एक लाइट इफेक्ट मिल जाएगा, उसे आपको ऐड कर लेनी होगी। ऐड करने के बाद गाइस आपको सीधा नीचे ब्लेंड का ऑप्शन मिल जाता है, उसको स्क्रीन कर लेनी है। स्क्रीन करने के बाद गाइस आपको सीधा इस तरीके से राइट की तरफ अपनी लाइट PNG को ऐड करनी है। ऐड करने के बाद गाइस अपनी फेस के ऊपर से लाइट PNG को थोड़ा लेफ्ट साइड से इरेज कर लेनी होगी कुछ इस तरीके से, जैसे कि राइट की तरफ आपका लाइट दिखे। एंड गाइस उसके बाद आपको फिर से आपको एडजस्ट कर लेनी होगी। एडजस्ट हो गया तो आपको सीधा सेव कर लेनी होगी, जैसे कि मैं राइट साइड को एडजस्ट कर रहा हूँ। एंड गाइस आपको सीधा कर लेनी होगी सेव। एंड सेव करने के बाद गाइस आपको फिर से इफेक्ट मैनी के बाद आपको ब्लर में आनी है। ब्लर में आने के बाद गाइस आपको लेंस ब्लर का इस सेकेंड नंबर पे एक ब्लर का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर आपको क्लिक करनी है, ठीक है। एंड हार्डनेस को एंड साइज को सिलेक्ट कर लेनी है। उसे करने के बाद गाइस आपको राइट नीचे की तरफ आपको ब्लर मोड करके कर लूँगी सेफ। तो आज के वीडियो में इतने गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।